अच्छा आप तो बीजेपी के रैली में बिछाना बेचते होंगे ना? हम तो बेचने तो सबके जाते हैं। हाँ, क्या माहौल लग रहा है? तो बेचने में सबकी रैली ऐसे होती है, सबकी ऐसे होती है। नहीं मतलब फोटो देख के तो ऐसा लगता है कि योगी जी की रैली में बड़ा भीड़ आता है। अरे भीड़ क्या आता है, वैसे जैसे वो प्रधानों को कराया था रैली, तो प्रधान से कह दिया कि तुमको इतने आदमी लेके आना है। नाम क्या आपका? शिवम। शिवम, यही के रहने वाले हो? पीजीआई के। पीजीआई के, तो ये क्या करते हो इसके अलावा, क्या करते हो? यही घर में भैंसे वैसे पहले दूध तो गंदा रखते हैं। अच्छा, भैंसे वैसे। तो ये काम आप कब से कर रहे हो? ये 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। योगी जी आए तो कोई रोजगार, कोई काम कुछ नहीं मिला? हम तो यही शुरुआत कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, जब से योगी जी की सरकार आ गई तब से यही कर रहे हैं। उससे पहले क्या सोचे थे, क्या करेंगे? उससे पहले क्या सोचे थे, क्या सपना क्या देखे थे, क्या बनेंगे? अरे उससे पहले सोच रहे खुद का बिजनेस करेंगे इसमें। बाबा साहब के, तो ये नहीं सोचे थे, बिजनेस सोचे थे? हाँ, बिजनेस सोचे थे। तो मोदी जी तो कहते कि फ्री लोन लो, बिजनेस करो। अरे लोन लो तो कहाँ, जो इतना किस लोन ले ले, उससे दुगना तो देना पड़ता है, किस लिए लोन ले ले? उतना हो ही नहीं पाएगा हमारे पास, जमा कर देंगे आके। अगर लोन ले ले तो उसका दुगना ब्याज बढ़ा देते हैं। और काम तो हर काम तो लूट रहे हैं हर चीज में। लूट रहे हैं और क्या? फ्री सिलेंडर दिया तो ऐसा सब्सिडी आती थी वो भी बंद कर दिया, 200 रुपए, 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। और क्या बिजली का बिल था वो फ्री कनेक्शन करवाए। किसी का बिल एक एक महीने का 45,000 आ जाता है। अच्छा। जबकि 500 की भी बिजली यूज करो, 45,000 का बिल। और क्या, हमारे बगल में हमारे पड़ोसी थे, उनका एक महीने में 45,000 का बिल आया था। किसको देते हो भैया, कौन सी सरकार अच्छी लगी? हमको तो सरकार मायावती की अच्छी लगती है। पिछली बार किसको चुने थे? पिछली बार हम हर बार मायावती को ही देते हैं। हर बार मायावती को, हमारे घर वाले चाहे जो को मायावती को देते हैं। कितने लोग हैं घर में? हमारे घर में 8 लोग। 8 लोग हैं। आप बड़े हैं? नहीं, हम तो छोटे हैं। पढ़ाई कहाँ तक की है? इंटर। इंटर तक पढ़े हैं और उसके बाद भी ये काम करें तो क्या करें? तो अपना धंधा कर रहे हैं उसमें। तो मोदी जी भी तो कहते हैं कि अपना रोजगार करो, चाहे छोटा करो चाहे वो। क्या हम कह गए तुम यही करो, हमको अच्छा लगता है। हम कैसे कहते हैं, पकौड़े बेच लो, पकौड़े बेचो। अरे पकौड़े बेचे इसको बेचे, बात वही है। और क्या, तो क्या खराबी है इसमें, दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत तो कोई नहीं है, कोई भी धंधा करो किसी को दिक्कत नहीं होता, जिसको जिसमें समझ में आ गया। रोजगार नहीं मिला, लेकिन रोजगार कहीं ट्राई किए थे योगी जी कहने के बाद? कहीं ट्राई किए थे? अरे ट्राई यहाँ क्या, यहाँ तो खुद जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं तो धरना दे रहे थे, डंडा खा रहे थे। ये इको गार्डन में 70,000 शिक्षक, हाँ हमारे सामने कितने बार डंडा खाए, तो उनको देख के मन हटा दिए। अरे उनको देख के तो मन पैसे हट गया है। एक तो किसानों को देख के हम पैसे बेचारे, ऐसा वहाँ धरना देते हो तो कहीं वहाँ देते हैं, कहीं वहाँ देते हैं, कोई सुनता ही नहीं उनकी। तो कौन ऐसा मायावती को, कोई मतलब मायावती को छोड़ के कोई सरकार नहीं चुनेगा। अच्छा, अखिलेश की नहीं? नहीं, अखिलेश की अब जिसको देखो, अखिलेश को भी जिसको चुनना होगा चुनेगा। हाँ। लेकिन हम तो मायावती को ही देंगे, मायावती को ही देंगे। अरे कितने का देते हैं? 10 रुपए का। ये 1 10 रुपए का? हाँ। उठा लूं? उठा भाई, ले भी लो बीच बीच में, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान नहीं होगा, मेरे बात करने से कहीं आपका नुकसान हो तो जो यहाँ खड़े होकर देख रहे, खा भी रहे, लोग ले भी रहे, पसंद भी कर रहे हैं। तो ये आप खुद ही बनाते हैं? हाँ, खुद ही बनाते हैं। हाँ, और फिर ऐसे ढोंगे में डाल डाल के लाते हैं? ये तो सब खरीद के लेके आते, तो बनाते हैं भी खरीद के लाते हैं। हाँ, सब खरीद के लेके आते हैं। हाँ, तो इसमें कितना बच जाता होगा, 10 रुपए का बेच रहे हैं आप, इतना सस्ता? नहीं सस्ता नहीं, इसमें हम जैसे लेते हैं 5 रुपए की, 5 रुपए की लागत लगती है, 5 बचता हमारा। लेकिन देखो योगी जी के राज में कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा ना? हमारे लिए तो कुछ नहीं अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ नहीं। जब से वो आए तब से ये बेच रहे हो? हाँ, तब से। बहन जी की सरकार आएगी तो क्या कुछ अच्छा मिलेगा? अब लगता तो यही अच्छा मिलेगा, क्योंकि उनकी सरकार में सब अच्छा ही हुआ है। घर मिला योगी जी के राज में? नहीं, घरों नहीं मिला, घर भी नहीं मिला। जो है तो अपने खुद का घर मतलब बनवाया हुआ है। अच्छा, बनवाए हैं। योगी जी के राज में देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना आ रही थी, बिजली, अच्छा बिजली पहले से बेहतर दी है ना उत्तर प्रदेश में? बिजली तो दी है, लेकिन बिल तो उसका महंगा ले रहे हैं ना। अच्छा, मतलब दे के और निकाल ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। देखो 100 रुपए का बिल था, 500 आ रहा है। हाँ, तो अब अखिलेश जी कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री देंगे। अरे तो देखा जाएगा जब देंगे तो। फिर भी बहन जी की सरकार चाहिए? बहन जी की हमको चाहिए, चाहे फ्री दे चाहे कुछ भी दे। कुछ भी दे क्यों भाई, मतलब इतना बेहतर क्या? अरे वो इतना अच्छा सोचती हैं गरीबों के बारे में, तो कोई सरकार सोचती ही नहीं। बीजेपी नहीं सोचती? नहीं सोचती। अरे गरीबों के बारे में बीजेपी नहीं सोचती? अरे क्या सोचती है, जो वहाँ तो वो सोचते हैं, लेकिन उनसे नीचे जो रहते हैं वो तो नहीं जाते, आने देते यहाँ तक का। अच्छा, तो क्या सोचते हैं? वो खुद आए तो देखें एक बार गरीब कैसे रहता है।
तो इसमें क्या सोचते हैं? आते तो रहते हैं, आते हैं खाली आए खड़े होकर के दिखा दिया उन्होंने हाँ कि हम गरीबों का रक्षक है, हाथ हला दिया चले गए। तो बस ये हम कौन गरीबों का क्या कुछ नहीं मिला है। हिंदुओं की तो देखो कितनी सुरक्षा हो रही है उत्तर प्रदेश में। अरे हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं रहती है क्योंकि सब सब लोग रहने वाले हम यहीं के हैं समझो, तो सबको सोचो जैसे हिंदू को सोचो वैसे मुस्लिम को सोचो, सबको बराबर बराबर बराबर। तो योगी जी तो कहते ही हैं कि सबका साथ सबका विकास। हाँ तो अरे कहते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे समझे, खाली कहते ही रहेंगे बस, खाली कहते रहते हैं बस, करते क्या है फिर? अरे करते रहे, हमको जब नहीं मिला तो हम यही कहेंगे हमको कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब मुझे एक और बात बताइए कि ये जो ऐसे आप शुरू किया, आपने 5 साल पहले शुरू किया, 5 साल से इससे आपका घर चल रहा है? हाँ चल रहा था। अरे तो थोड़ी महंगाई बढ़ी है, देखो घर का भी काम कर लेते हैं ये भी काम कर लेते हैं, जैसे बता रहे भैंसे हैं तो सुबह 9-10 बजे तक का अपना भैंसों का दूध निकाल के बेच लेते हैं, उसके बाद ये काम कर लेते हैं तो घर चल जाते हैं। तो मतलब कभी कभी लगता होगा ना कि भाई इंटर करके हम ये कर रहे हैं तो पढ़ाई पे इंटर तक पैसा बर्बाद किए। तो अरे वो तो लगता ही है लेकिन फिर करेंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, बैठ के घर में ऐसे ही रहेंगे फालतू में हाँ। नहीं तो फिर डंडा खाएंगे उनकी तरह। हाँ डंडा खाएंगे हाँ। और कहीं बाहर भी जाओ जैसे मान लो 10-15 हजार रुपए सैलरी भी मिल रही हाँ। तो उसका आधा तो मान लो वहाँ पे चला ही जाता है खाने पीने में आने जाने में यहाँ पे सही बात है हाँ। तो बाहर भी जाने में नहीं मजा, तो यही जो कमा लो वही है बस बस वही ठीक है, वही ठीक है। थोड़ी महंगाई बढ़ी है तो आपने पहले क्या 5 का देते थे, 5 साल से 10 ही रुपए दे रहे हैं? 10 ही रुपए का। अरे बाप रे, 5 साल में रेट नहीं बढ़ा आपने? 10 ही। चीजें तो महंगी हो गई हैं। हाँ चीजें तो महंगी हो गई। अच्छा। ये 120 रुपए किलो दाना मिल रहा था, अब 180 रुपए किलो मिलता है। ओ तो आपने अपना रेट क्यों नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाया मैम, क्या करें, अगर हम 12 रुपए का भी कर देंगे तो चेंज लेने में दिक्कत होगी क्योंकि हम लोग बसों में बेचते हैं रोड पे। तो जिसको बेचते हैं वो भी वैसा ही आदमी है आम परिवार का, तो इसीलिए 10 रुपए का। तो मतलब आप जैसे हैं वैसे लोगों का दर्द समझते हैं? समझते हैं, अरे तभी तो हम ऐसे मान लो गरीबों के बारे में एक दूसरे को तो सोचता ही है हाँ। ना तो आगे चलेगा ही नहीं कुछ। तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे जो लोग हैं जो महंगाई से परेशान है लेकिन फिर भी दूसरों को महंगाई से परेशान नहीं करना चाहते हैं? हम दूसरों को नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। तो बहन जी ये बात समझती हैं? हाँ बहन जी समझती हैं, गरीबों की बात समझती हैं, जरूर समझती हैं। बीजेपी नहीं समझती? वो समझते तो क्या होता हाँ। तो आज ये दिक्कत ही नहीं होती हाँ। अगर वो समझते तो दिक्कत ही नहीं होती ऐसे। अच्छा आप तो हर बार बीजेपी को वोट देते हैं, सॉरी बीएसपी को वोट देते हैं, आपका पूरा परिवार देता है, सत्ता में आ रही है क्या बीएसपी? अब ये हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। लग रहा है कुछ मतलब देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, रैली देख रहे हैं हाँ, तो ऐसे अच्छा आप तो बीजेपी के रैली में बिचारा बेचते होंगे ना? हम तो बेचने तो सबके जाते हैं हाँ, क्या माहौल लग रहा है? तो बेचने में सबकी रैली ऐसे होती है, सबकी ऐसे होती है हाँ। नहीं मतलब फोटो देख के तो ऐसा लगता है कि योगी जी की रैली में बड़ा भीड़ आता है। अरे भीड़ क्या आता है, वैसे जैसे वो प्रधानों को कराया था रैली तो प्रधान से कह दिया कि तुमको इतने आदमी लेके आना है समझो, तो वो लेके आ गया वहाँ पे नहीं अच्छा। तो तुम हर प्रधान से कहोगे ऐसा है कोई प्रधान 100 आदमी से नीचे लेके आए समझो, इसलिए यहाँ जो लोग आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं और क्या हाँ। अगर कोई देहात में जाओ कोई भी गरीब सुन ले कि मायावती की रैली है तो खुद आएगा, खुद आता है, खाली सुन ले कि मायावती की रैली है आ जाता है, और बाबा जी की रैली में लाना पड़ता है, उनको लाना पड़ता है, समाज बिकाऊ नहीं है, उनको लाना पड़ता है। और वहाँ जो लोग आते हैं वो 10 रुपए का खरीदते हैं? हाँ खरीदेंगे, ज्यादा कहाँ बिकता है, इधर की उधर बिकता तो ऐसे ही मैम सब हर जगह हाँ, मतलब यहाँ पे जो आजकल देख रहे हैं सर्व समाज के लोग आ रहे हैं रैली में, कि ब्राह्मणों को भी बुलाया जा रहा है, ब्राह्मण भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी बहुत आ रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है कि सबको सम्मानित किया जा रहा है। और क्या अच्छा तो लगेगा मैम, अच्छा लगेगा, सब लोग एक ही है, अलग से अलग तो है नहीं हम लोग। तो बहन जी को तो बहुजनों के लिए काम करना चाहिए ना? नहीं वो सबको करते हैं क्योंकि उनके लिए सब कोई बराबर है, बराबर है, बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं उनकी नजर में है, सब बराबर है। बहुत शुक्रिया, बेचिए, नुकसान हुआ होगा तो माफी चाहेंगे। चलिए खरीदिए भाई, खाली देख रहे खड़े होके।